हाँ भाई, क्या हाल है? तो कैसा रहा आप लोगों का सीजीएल मेंस 2017 का जो पहला एग्जाम था, आज का कैसा रहा? कैसा रहा ये आप लोगों को भी पता है, मेरे को भी पता है। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था, मतलब अच्छा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से रिपीट नहीं किए थे, क्वेश्चन पे काम किया गया था, नए टाइप्स के क्वेश्चन बनाए गए थे। 100 में से हाँ 50 क्वेश्चन तो जरूर थे जो उसको कर सकते थे अपन, बट 40-50 क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों ने मुझे रिव्यू दिया है, 40-50 क्वेश्चन पे एसएससी ने इस बार काम किया था। अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए थे, दो अलग बनाए थे, अच्छे लेवल के बनाए थे। यदि आपका बेसिक सही है तो उस चीज को भी आप आराम से टैकल कर सकते थे। हाँ, कैलकुलेशन ज्यादा था तो आप 90 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते, बट 75-80 तक अटेम्प्ट कर सकते थे इफ यू आर वेरी गुड विथ योर बेसिक्स। इस जो एग्जाम, आज वाली एग्जाम है, इसमें प्रॉब्लम किस केवल उन लोगों को ज्यादा हुई है जो लोग सब्स्टिट्यूट दिस मेथड, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी जीरो, तब सी करो, पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो सर, ये सब चीज कुछ काम नहीं किया है आज, इसीलिए मैं आप आपको हमेशा से बोलते आ रहा था कि प्लीज बेसिक पे काम कीजिए, प्लीज बेसिक पे काम कीजिए। आप लोगों ने आज, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, कुछ लोगों ने ग्रुप में डाला कि सर आपका बात मैंने नहीं माना, बेसिक्स नहीं पढ़े, केवल ट्रिक्स पे भाग रहे थे, कुछ फायदा नहीं हुआ इसका। अभी भी बोल रहा हूँ, सीजीएल 2018 के लिए जो लग रहे हैं आज के एग्जाम से तो पता चल गया होगा, प्लीज बेसिक पे काम कीजिए सर। यदि आप बेसिक अच्छा है तो ट्रिक आप खुद बनाना शुरू कर दें, किसी के बनाए हुए ट्रिक को ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो आज के सेशन में थोड़ा सा मोटिवेशन, या जो कहिए, या थोड़ा सा आप लोगों को एक बोल वचन मैं देना चाहता हूँ। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है अलजेब्रा और मेंसुरेशन का ही लेंगे, 5-6 क्वेश्चन है उसको देखेंगे। कुछ और क्वेश्चंस यदि आप लोगों में से आया तो मैं उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करा दूंगा। एक क्वेश्चन टोटली आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिन लोगों को जितना याद है उस ढंग से हमको क्वेश्चन भेजे हैं, मैं उस तरह से आपको इसका सोल्यूशन दूंगा, ठीक है? तो सेशन स्टार्ट करने से पहले राहत इंदौरी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। अब आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे मल्लाह कौन है। मल्लाह छोड़िए, मैं मल्लाहों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। कितने लोगों को लूट रहे हैं वो लोग, चोरी नहीं डकैती कर रहे हैं भाई साहब, और आप लोग आंख बंद करके लिए जा रहे हैं 10,000 15,000 एक बैच का, ये मैराथन किए जा रहे हैं पता नहीं क्यों। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो लोग सीजीएल 2018 के लिए लग रहे हैं भाई, यदि आपको क्लियर करना है कोई जरूरी नहीं है कोचिंग ज्वाइन करना। आपको आज के डेट में गूगल जो है आपको हर एक चीज का आपको सोल्यूशन देता है। कुछ भी चीज चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन चाहिए, आपको गूगल से सोल्यूशन मिल जाएगा। और आप लोग क्या करते हैं कि अरे यार मैं तो 10,000 दूंगा, इसका मतलब कि जो है जो मल्लाह लोग हैं वो हमको संजीवनी बूटी पिला देंगे, हमको मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक साल बाद हमको तो इंस्पेक्टर बन जाएंगे। लेकिन एक साल बाद जब मेंस का एग्जाम देकर बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि मल्लाह लोगों ने तो ठग लिया भाई, बीच में ही नौका डुबो दिया। तो इससे अच्छा है कि अभी से तैरना सीखिए और खुद से तैर करके एसएससी रूपी दरिया को पार करना है, डिसाइड आप कीजिए। मेरा जो सलाह था मैं आप लोगों को दे दिया। अब 5-6 क्वेश्चन है अलजेब्रा और मेंसुरेशन का, उस क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चंस आए क्या थे। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा सा त्रुटि या थोड़ा सा डेटा में इधर उधर हो सकता है, तो ये आपको डिस्क्लेमर देना था। चलिए देते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन तो 100 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन सारे क्वेश्चन सब लोगों को तो याद नहीं रहता है। बहुत कम लोग मेरे मैसेज का रिप्लाई दे पाए जिनका आज एग्जाम था। बहुत लोग तो सदमे में हैं कि भाई क्या हो गया। ऑब्वियस है भाई, जब आप एक साल तैयारी करते हैं और आपके तैयारी और मेहनत के अनुसार फल ना मिले तो दुख तो होता ही है। तो कुछ लोगों ने ही हमको क्वेश्चन को फॉरवर्ड किया है कि सर ये क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आया था, तो उस कुछ क्वेश्चन को लिया हूँ मैं। फिर और क्वेश्चन आ रहे हैं, उस क्वेश्चन को लेकर के फिर और एक वीडियो बना देंगे 10-15 मिनट का, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन ऑलरेडी अलजेब्रा के सेशन में पढ़ लिए हैं। क्या क्वेश्चन बोला है? इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन मांग रहा है। इफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज 13, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 1, एक्स वाई जेड इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ
ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब आपको यहाँ क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो ए वाला फॉर्मूला तो यूज होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फार्मूला का यूज होने वाला। अब आप देखिए आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पता है, एक्स वाई जेड का वैल्यू पता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, केवल वैल्यू आपको इसका पता चल जाए तो जो आपको रिक्वायर्ड निकालना है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इस वाले चीज का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड वन दिया है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो वन आएगा, राइट साइड में क्या आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इस वैल्यू को इस वाले एक्सप्रेशन में रख दीजिए, तो यहाँ से देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू कितना है थर्टीन, एक्स वाई जेड वन है तो थ्री गुना वन थ्री आ जाएगा बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड वन है गुना इसका वैल्यू रखे तो आपको क्या आ गया वन माइनस टू एक्स वाई टू वाई जेड टू जेड एक्स तो है ही, पहले से माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स है, इसका मतलब कि थ्री ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दस में से तीन जाएगा, तेरह में से तीन जाएगा, क्या आ जाएगा दस, यानी कि वन माइनस थ्री जिसका वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपको दस आ जाएगा, यानी कि थ्री और जिसका वैल्यू निकालना है, इस चीज़ को आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है तो थ्री इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपको क्या आ जाएगा नाइन आ जाएगा। तो इस रूप से जो ए वैल्यू था वो किसका वैल्यू था आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू, इसका क्या आ जाएगा नाइन बाई थ्री आपको थ्री आंसर दे देगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड अलजेब्रा में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें आप ट्रिक बना सकते हैं, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, ए प्लस बी बाई सी आपको छः बटा पाँच दिया है, बी प्लस सी बाई ए आपको नौ बटा दो दिया है, तो हम लोग एक मिनट मान के देखते हैं कि सी को फाइव रखने से क्या आता है, तो यहाँ पे फाइव रख रहे हैं तो ए को यदि आप यहाँ से टू रख रहे हैं तो देखिए ए को टू रख दिए सी को फाइव रख दिए तो छः बटा पाँच होने के लिए बी को कितना होना पड़ेगा चार, क्या दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बी को यदि चार रखे तो ये चीज़ देखिए चार प्लस पाँच नौ, नौ बटा दो आ रहा है, इसका मतलब कि आपको ए का वैल्यू दो आ गया, बी का वैल्यू चार और सी का वैल्यू पाँच आ गया। आपसे पूछा क्या है ए प्लस सी बाई बी, यानी कि दो प्लस चार बटा सी का वैल्यू सॉरी पाँच है, दो प्लस पाँच बटा चार, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सेवन बाई फोर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेवन बाई फोर विल बी द करेक्ट आंसर। जहाँ पे ट्रिक लग रहा है तो लगाएंगे, ये कोई ट्रिक नहीं है सर, एक कॉमन सेंस की बात है कि क्या इस इक्वेशन को एक गिवन वैल्यू लेकर के समझा जा सकता है क्या, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड बटा हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को भी अपन सॉरी ऑलरेडी अलजेब्रा सीरीज में देखे थे, ऊपर वाला तो है एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, नीचे क्या है हाफ इंटू सेम चीज है जो आपने कॉमन ऊपर लिया है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दोनों चीज आपस में कैंसिल आउट हो गया, आपको बच क्या जाएगा टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि हाफ का जो टू है ऊपर चला जाएगा दो और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू वन है यानी कि टू, तो इस क्वेश्चन का आंसर टू होगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आज के सेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए होंगे, बट स्टूडेंट्स को या जिन लोगों से मैंने अभी तक बात की है उन लोगों को याद नहीं वो क्वेश्चन, बट क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन मेंसुरेशन का लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अच्छा क्वेश्चन है बट बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको हाथ पांव नहीं मारना है। पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द फोर स्क्वायर, यानी कि अब एक चीज़ मैं बता दूं कि यदि आपको मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी जो मैं लिख रहा हूं फिर उसको रेंडर करूंगा तो थोड़ा सा फिगर जो है इधर उधर हो सकता है, तो एक मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ए वाला चीज़ आपका सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक बड़ा सा स्क्वायर है,
और इस स्क्वायर के अंदर चार छोटे छोटे सिमिलर स्क्वायर दिए गए हैं, चार छोटे छोटे सिमिलर। हालांकि आपको फिगर में भी अलग अलग शेप दिख सकता है इसका, उसको फर्क मत कीजिए। जो जैसा आपको ए स्क्वायर है वैसा ही स्क्वायर ए है, वैसा ही स्क्वायर ए है और वैसा ही स्क्वायर ए है, यानी कि चारों के चारों जो छोटा सा स्क्वायर है वो आपका आइडेंटिकल स्क्वायर है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि चारों स्क्वायर्स का एरिया कितना होगा ये पता है करना है। तो स्क्वायर का एरिया पता करने के लिए आपको यदि स्क्वायर का साइड पता चल गया तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे देखिए, जस्ट छोटा सा आपको करना क्या है, यदि ये डायगोनल लेंगे, रेडियस कितना दिया गया है 14, रेडियस 14 दिया गया है, मतलब कि ए पार्ट आपको 14 दिया गया है। जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वो आपको सर्कल का क्या हो जाएगा, सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। तो ए 14 आ गया। यदि यहां से एक और डायमीटर यदि अपन मिलाते हैं इस टाइप से, अपोजिट साइड से यदि डायमीटर अपन मिलाते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। अपोजिट साइड से इस टाइप से यदि डायमीटर मिला रहे हैं तो ए, आप सपोज मान लीजिए ए बी है और ए आपका सी डी है, तो ये तो दोनों डायमीटर है, तो ए बी और सी डी का लेंथ तो बराबर होगा। चलिए आगे क्या बोल रहा है कि देखिए, ए वाला जो इस वाले ट्राइंगल पे थोड़ा देर के लिए यदि आप गौर करें तो देखिए, ए 90 डिग्री के सामने वाला एंगल 14, साइड 14 है और ए तो 45, ए 45, मतलब कि इतना जो आपका पोर्शन आ जाएगा वो आपको कितना आ जाएगा 14/√2। तो इतना वाला पोर्शन भी आपको कितना आ जाएगा 14/√2 आ जाएगा। क्यों 14/√2 आएगा, तभी तो आप इसको करके आपको जो हाइपोटेनिस है इस छोटे ट्राइंगल का वो आपको आ जाएगा 14। अब टोटल सी डी का लेंथ, सी डी आपका एक डायमीटर है, सी डी का लेंथ एक्चुअल में क्या है 28 है। अब सी डी को देखिए, इतना वाला पार्ट को आप साइड बोल सकते हैं, अगेन इतना वाला पार्ट को साइड बोल सकते हैं। तो सी डी एक्चुअल में क्या है, ए प्लस ए, यानी कि 2a+14/√2। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 14/√2+14/√2, यानी कि 14√2 आ जाएगा। या आप जो अंदर का स्क्वायर है उसका साइड आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि डायगोनल 21 है, तो इतना जो हो जाएगा वो 14/14√2 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, इसका सम आपको कितना आना चाहिए 28 आना चाहिए। दो हर जगह से यदि अपन कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से भी 14 कट जाएगा, तो ए का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा 14-7√2। आपसे चारों स्क्वायर का एरिया पूछा गया है, यानी कि 4a² पूछा गया है, तो 4 यहाँ से आप 7 कॉमन ले सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7 × 2-√2। तो यदि 4a² करेंगे, 4a² यानी कि 7 × 7 49, 2 − √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 − 2, 4 − 2 आपको कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 − 4√2 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ओके, अगेन और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 2 कॉमन ले लीजिए तो 98, ये आ जाएगा 3 − 2√2। अब आपको जो भी ऑप्शंस आए होंगे एग्जाम में, हालांकि एग्जाम में शायद बोल रहे थे कि पॉइंट में आंसर कुछ ऐसा था, तो उस रूप में आप इस आंसर को व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव आपको देखने में फर्स्ट नज़र में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, बट एक क्वेश्चन मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि एक्चुअल में टोटल सरफेस एरिया किसी भी शेप का क्या होता है। मेंसुरेशन के फर्स्ट सेशन में ही मैंने बताया है कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। इसका डेफिनेशन जिनको पता नहीं है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। क्या बोला है, अ सिलेंडर विथ रेडियस 14 एंड हाइट 15। एक सिलेंडर दिया गया है जिसका रेडियस बोला गया है कि 14 दिया गया है, यानी कि इतना जो है 14 दिया गया है, हाइट आपको 15 दिया गया है। फोर सिमिलर सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज टेकन आउट फ्रॉम द ओरिजिनल सिलेंडर फ्रॉम बोथ द एंड, यानी कि बोथ द एंड से आपको क्या किया जाता है, चार सिमिलर ट्रायंगल इस सॉरी सिमिलर सिलेंडर जो है इस टाइप से आपको, ये सिलेंडर आपस में सटे हुए सिलेंडर है, फिगर में मान लीजिए कि ये सटा हुआ सिलेंडर है, इस टाइप से आपको सिलेंडर निकाले जाते हैं। सिमिलरली ऊपर नीचे दोनों केस में हो रहा है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह से सिलेंडर निकाले
जाते हैं, ठीक है। शेप पे ध्यान मत दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। और इसका जो टॉप व्यू है, आपके एग्जाम में ऐसा दिया गया था कि ये जो सिलेंडर का टॉप या बॉटम भी है इस तरह से, क्योंकि चारों के चारों सिलेंडर जो है ऊपर भी और नीचे भी आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में सट रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो निकाला है ये सटा हुआ सिलेंडर आपको दिया है। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, ये भी एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि चार सिलेंडर निकाला जाता है, 5 सेंटीमीटर टेकन आउट फ्रॉम द ओरिजिनल सिलेंडर फ्रॉम बोथ द एंड, सेंटर ऑफ ऑल फोर स्मॉलर सिलेंडर इज ऑन द डायमीटर ऑफ द बिगर, यानी कि इसी के डायमीटर पे सारे सिलेंडर का सेंटर है। और आगे क्या दिया गया है, एंड इट फिट्स इन दैट, यानी कि इस तरह से पूर्ण रूपेण ये चारों जो सिलेंडर है वो फिट हो जाता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग शेप। अब इसमें आपको 3D विजुअलाइज करना होगा, इतना मैं आपको शायद नहीं समझा पाऊंगा, बट आपको मेरे साथ एनालाइज करना पड़ेगा 3D व्यू में कि क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतना पार्ट जो है आपको क्या दिया है, 14, तो ये आधा पार्ट 14 का, आधा 7 और ए 7, यानी कि हर एक ट्रायंगल का डायमीटर कितना है 7, सॉरी हर एक सिलेंडर का डायमीटर कितना है 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, यानी कि ये जो छोटा वाला है इसको मैंने अलग अलग बनाया है, इसको आप समझ के चलिए कि सटा हुआ है, ठीक है, ये सारे सटे हुए हैं, तो रेडियस आ गया 7/2। अब आप एक बार फिर से देखिए कि जो ये सिलेंडर, छोटा वाला सिलेंडर आप निकाल रहे हैं, छोटा वाला सिलेंडर में ए ऊपर से क्या है, खुला हुआ है, यानी कि जब भी आप टोटल सरफेस एरिया लेते हैं तो जो शेप दिखता है उतना का आप क्या करते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे एक चीज गौर ये करना है कि यहाँ पे तो एक कर्व सरफेस एरिया बड़े वाले सिलेंडर का आएगा ही आएगा, और नीचे से आपने चार सिलेंडर निकाला है, ऊपर से चार सिलेंडर निकाला है, यानी कि चार होल हो गया है, उसका एरिया आपको तो घटाना पड़ेगा, यहाँ पे जो चार होल हुआ है उसका एरिया घटाना पड़ेगा। लेकिन होल होने के कारण यहाँ जमीन जो उसके भीतर है, कोर में, सिलेंडर के जो कोर में है, ए वाला एरिया का सरफेस एरिया तो काउंट होगा ना, इसका मतलब कि इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया में बड़े वाले का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी कि 2πRh + 2πR² तो आएगा ही आएगा। प्लस अब देखिए नीचे वाले आपने काउंट कर लिया, ऊपर वाला काउंट करना नहीं है, इसका मतलब कि आपको क्या करना है, जो छोटा छोटा 8 सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। अब इजी हो गया, इतना ही आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा, नहीं तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से स्टार्ट होगा। आप देखिए यहां से आप 2πR आराम से कॉमन ले सकते हैं, 2πR, R का वैल्यू कितना है 14 है, 14, तो ये क्या आ जाएगा H+R, यानी कि 14+15 आ जाएगा, प्लस 8 गुना इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πRh, यानी कि 2 गुना π गुना R का वैल्यू छोटे वाला है क्या है 7/2, और h कितना दिया गया है 5 दिया गया है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल में से 2π आप कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, ये 14 गुना 29 प्लस इस 2 से 8 को काट दीजिए 4, तो ये क्या आ जाएगा 4 × 5 = 20 = 140 आ गया। अब देखिए पाई का वैल्यू रख दीजिए 2 × 22/7 × 14 × 29, 14 × 3 = 42, 420 में से 14 यदि आप घटा देंगे तो 406 आ जाएगा, 406 + 140। अब एक लाइन और बचा हुआ है उसको कैलकुलेट कर देते हैं, 2 × 22/7 × ये क्या आ जाएगा 546 आ जाएगा, 7 से इसको काटेंगे 7 × 7 = 49, 5 × 7 = 56, तो ये चीज़ आपको क्या आ गया 44 × 78, 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28, 3 × 1 = 30, 312 और 312 इसको जोड़ दीजिए 2, 2 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, 3, यानी कि 3432 cm² विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग शेप। तो ये अच्छा क्वेश्चन था बट इजी क्वेश्चन था, यदि आपको बेसिक अच्छा है तो इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोला है, मे भी इसका फिगर मैं आपको पहले स्पेसिफाई कर दूंगा कि कौन सा फिगर क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द व्हाइट शेडेड रीजन इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। ए वाला पार्ट जो है आपका सेमी सर्कल है, ठीक है। मे भी आपको इसका फिगर थोड़ा अटपटा दिखे, ए वाला जो फिगर है वो आपका स्क्वायर है और बड़ा वाला फिगर तो स्क्वायर है ही। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो व्हाइट यानी कि ये सब जो रीजन है, इस रीजन का, रिमेनिंग रीजन का आपको एरिया निकालना है। कब? जब आपका स्क्वायर का साइड कितना दिया गया है, स्क्वायर का साइड 14 दिया गया है और ए वाला पार्ट जो है एकदम हाफ पे है, यानी कि ए भी साथ है और ए भी साथ है। इतना तक तो आपने समझ लिया, ये आपका क्वेश्चन है। मैंने पूरा, चूंकि हमको पूरा क्वेश्चन आया नहीं है, वो केवल बोला कि सर ऐसे ऐसे था, तो मैंने उसी से क्वेश्चन बनाया है, समझा दिया कि एक बड़ा वाला तो है स्क्वायर है, उसके अंदर जो राइट हाफ पार्ट है उसमें छोटा सा स्क्वायर है, लेफ्ट हाफ पार्ट है उसमें एक सेमी सर्कल है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि व्हाइट रीजन है उसका एरिया पूछा गया है, ठीक है। अब इतना पता चल गया कि ए भी साथ है। अब आपको करना क्या है, देखिए यदि आप यहाँ से मिलाएंगे तो डायगोनल जो है इस वाले स्क्वायर का यदि 7 है तो साइड क्या हो जाएगा, 7/√2 हो जाएगा। यहाँ से मिड पॉइंट है तो इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 7/7 हो जाएगा। तो इस वाले एरिया का रीजन क्या हो जाएगा, यदि चलिए लिख देते हैं, शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया यानी कि टोटल जो स्क्वायर का एरिया होगा उसमें से आप सेमी सर्कल का एरिया घटा दीजिए, उसमें से आप इस छोटे वाला स्क्वायर के एरिया को घटा दीजिए, तो आपको रिमेनिंग एरिया बच जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं, टोटल एरिया आपको पूरे स्क्वायर का कितना आ जाएगा, पूरे स्क्वायर का एरिया तो आपको 196 क्योंकि 14 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस शेडेड रीजन जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई टू यानी कि पाई गुना 49/2। इतना तक तो क्लियर है ना, पाई गुना 49/2 माइनस स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा, जिसका साइड 7/√2 है तो स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा, 49/2। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब देखिए 196 माइनस पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 गुना 49/2 माइनस 49/2, 7 से इसको काटेंगे 7 × 7 = 49, 2 से इसको काटेंगे 11, तो ये कितना आ जाएगा 196 माइनस 77 माइनस इस, ये कितना आ जाएगा 24.5। अब देखिए 196 77 और 23 100 हो जाता है, इधर 1.5 बच गया यानी कि 101.5 हो गया, तो 102 लेंगे तो उधर कितना बच गया 92 यानी कि 92.5 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस व्हाइट शेडेड रीजन। तो ये हमारा अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, और 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी जितने क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं, फिर से बोलता हूँ ट्रिक सही है, अपनी जगह पे उसको रखिए, बट ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आप बेसिक चीज़ों पे दीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि एरिया एक्चुअल में क्या होता है। हम लोग पीछे पड़े रहते हैं कि सर सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और मैं आपको बता दूं और आप खुश हो जाते हैं। सर वो तो चलिए एक फॉर्मूला है, आप याद रखिए, समझिए कि सरफेस एरिया कहते किसको है, एक्चुअल में वॉल्यूम कहते किसको है, एक्चुअल में एरिया कहते किसको है, एक्चुअल में पेरीमीटर कहते किसको है, आप चीज़ों को समझिए, ठीक है। तो चलिए आज थोड़ा शायद ज़्यादा ही बोल वचन हो गया, आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं।